हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर मैं आप लोगों के बीच में हॉप इंग्लिश एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है यूट्यूब चैनल पर। अभी थोड़ा सा वीडियो आप लोग के बीच में नहीं आ रहा था, इसका रीज़न था मैं कहीं बाहर निकला हुआ था और वहां से मैं वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। चलिए थोड़ी सी बीच में मेरी तबीयत भी जो है वो बिगड़ गई थी, आज जो है वो फिर से हम लोगों का जो है वो क्लास चलना शुरू हो गया है। आज जो हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं बच्चों, उस टॉपिक का नाम होगा यूज ऑफ वांटेड। स्पोकन का ये बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है यूज ऑफ वांटेड। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समझिए हमारे प्यारे बच्चों, कैसे इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, एकदम मजेदार टॉपिक से, है ना। चलिए क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं यूज ऑफ वांटेड। क्या होगा यूज ऑफ वांटेड, हम वांटेड का प्रयोग करेंगे। तो वांटेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है इस चीज को हम लोग जानेंगे, ठीक। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों, वांटेड वैसे सेंटेंस के साथ में हम ट्रांसलेट करने के लिए बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बनाते हैं, जब हमारे सेंटेंस के लास्ट में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, अगर यदि आ जाए, अगर कोई हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चाहता था, चाहती थी, चाहते थे आ जाए, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे वांटेड का। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, वांटेड का, है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर हम किसी चीज को चाह रहे हैं, किसी लड़की को चाह रहे हैं, किसी लड़का को चाह रहे हैं, तो वहां वांटेड नहीं होगा, वहां लाइक्ड होगा, है ना। मैं रेखा को चाहता था, मैं शोभा को चाहता था, मैं सोना को चाहता था, मैं फलनी को चाहता था, तो वहां पे वांटेड नहीं होगा, वहां पे होगा लाइक्ड। क्या होगा लाइक्ड। तो भाई ये चाहता था मतलब मैं पढ़ना चाहता था, मैं सीखना चाहता था, मैं दौड़ना चाहता था, मैं आना चाहता था, ऐसे सेंटेंसेस अगर आएंगे तो हम लगाएंगे वांटेड का प्रयोग। क्या यूज करेंगे, वांटेड का। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक को कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो देखिएगा, हम कहते हैं कि व्हेन एनी हिंदी सेंटेंसेस, कहता है जब कोई हिंदी वाक्य एंड यानी खत्म होता है क्या चीज से, चाहता था से, अगर चाहता था से सेंटेंस खत्म हो जाए, देन वी यूज वांटेड, तो हम लोग वांटेड का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट का जरूरत होगा, वांटेड का जरूरत होगा, टू का जरूरत होगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का जरूरत होगा और ऑब्जेक्ट का जरूरत होगा, ठीक। ये हो गया वांटेड के बाद वर्ब आ जाएगा तब। अगर वांटेड के बाद वर्ब नहीं है, जिससे अभी हम बताएंगे कि अगर एक सेंटेंस है जिसमें वांटेड यानी चाहता था और चाहता था से भी एक वर्ब है, तो ये लोग फॉर्मेट काम करेगा। लेकिन अगर चाहता था लास्ट में सेंटेंस है और अगर उसके पहले नाउन है, तो यहाँ पे वांटेड के बाद नाउन पुट करना पड़ेगा, है ना। जैसे उसका क्या फॉर्मेट होता है, तो सब्जेक्ट होता है, वांटेड होता है, यहाँ पे सिर्फ नाउन होता है, ठीक। इसके बाद हमारा कुछ नहीं, ठीक ना। यहाँ पे वांटेड के बाद टू देकर के हम लोग वर्ब लगाए हैं ना, लगाए हैं वर्ब, ठीक। तो यहाँ पे जो है वांटेड देकर के और सीधा हम लोग क्या लगा दे रहे हैं, नाउन लगा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं ना। तो यही डिफरेंस है, अगर नाउन चाहता था के साथ में एक नाउन हो तो फिर वर्ब उधर नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, और अगर यदि वर्ब नहीं हो, सॉरी वर्ब हो, तो फिर टू लगा करके बनाएंगे। तो हम वर्ब वाला समझने जा रहे हैं, देखिएगा कैसे होगा, इसका वाला समझने जा रहे हैं पहला वाला, ठीक। जैसे मैं दौड़ना चाहता था, भाई यहां पे चाहता था सेंटेंस हमारा मिल गया ना।
तो मैं चाहता था, तो चाहता था को बनाने के लिए क्या करेंगे, वांटेड। चलिए मैं सबसे पहले इसी को बनाता हूं, मैं चाहता था, दौड़ना को हटा दीजिए ठीक, अभी दौड़ना को गोली मार दीजिए ठीक। मैं चाहता था, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चाहता का क्या हो जाएगा, चाहता था का वांटेड लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पास्ट है भाई, तो ये वांटेड में जाएगा ना, तो आई वांटेड। अब मैं चाहता था, आई वांटेड, मैं चाहता था, क्या करना चाहता था, दौड़ना चाहता था जी, तो दौड़ने का तो हमारा रन होता है ना, तो रन लगाएंगे, तो ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो यहाँ पे टू जोड़ देंगे हम लोग, तो आई वॉन्टेड टू रन, मैं दौड़ना चाहता था। फिर देखिए, वह खेलना चाहता था ठीक, वह खेलना चाहता था ठीक ना, तो वह खेलना चाहता था, तो वह का इंग्लिश ही, चाहता था का इंग्लिश वांटेड, और खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले, तो टू प्ले डालना पड़ेगा हमें, तो ही वांटेड टू प्ले, वह खेलना चाहता था। अब इसी तरह से जितना सेंटेंस आ जाए, तुम आना चाहता था, यू वांटेड टू कम, तुम जाना चाहता था, यू वांटेड टू गो, वह खरीदना चाहता था, ही वांटेड टू बाय, वह फेंकना चाहता था, ही वांटेड टू थ्रो। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रयोग करेंगे वांटेड का साथ इधर भी भर। अब बोलिएगा सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन बात है ये वाला कैसे बनाएंगे, तो उसका भी जो है वो देखिएगा, उसका भी बनाने जा रहे हैं हम, तो देखिएगा कैसे, इधर ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम इस फॉर्मेट पे बात करने जा रहे हैं ठीक, इस फॉर्मेट पर। कहता है मैं चाहता था, अभी आप लोगों ने सीखा मैं चाहता था का इंग्लिश ठीक, तो मैं चाहता था, तो मैं का इंग्लिश क्या है, आई, और चाहता था का इंग्लिश क्या है, वांटेड। मैंने अभी यही ना सिखाया था सर, मैं चाहता था का इंग्लिश यही ना सिखाया था, आई वांटेड बोले थे ना। अब देखिए कहता है कि मैं किताब चाहता था, मैं क्या चाहता था, किताब। हमारा ये जो है वो क्या है, चाहता था, और इसके पहले हमारा क्या है, किताब। किताब मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया ना जी, तो नाउन चाहे कोई भी चीज यहाँ पे आए, भर नहीं आना चाहिए, ये भर जिसे, ये भर नहीं आना चाहिए हाँ, तो हम यही बनाएंगे, आई वांटेड बुक। अब यहाँ पे टू बुक नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नाउन है, अगर वर्ब रहेगा तो हम टू लगाएंगे, वर्ब नहीं रहेगा तो टू नहीं लगाएंगे, तो हम तो नाउन है ना, तो हमने जो है वो बुक लिखा है। अब जैसे वह रोज सेव चाहता था, देखो बाबा वह रोज सेव चाहता था, सेव मतलब एप्पल होता है ना, वह रोज सेव चाहता था, इसका मैं इंग्लिश थोड़ा इधर बनाता हूं ठीक, मैं रोज सेव चाहता था, तो सॉरी वह रोज सेव चाहता था, वह चाहता था का ही वांटेड क्या हो जाएगा, ही वांटेड हो जाएगा, वह चाहता था, ही वांटेड। अब क्या चाहता था, सेव, तो सेव वर्ब है नहीं ना, तो इसके बाद एप्पल लिखना पड़ेगा, एप्पल, तो ही वांटेड एप्पल, और क्या, रोज का एवरी डे, तो रोज का एवरी डे हो गया, तो ही वांटेड एप्पल एवरी डे, वह रोज चाहता था, क्या चाहता था, एप्पल ठीक, वह रोज। अब मैं बोलता हूं मैं कलम चाहता था, आई वांटेड पेन हो जाएगा, मैं भोजन चाहता था, आई वांटेड मील्स हो जाएगा, मैं मोबाइल चाहता था, आई वांटेड मोबाइल हो जाएगा, मैं दाल चाहता था, आई वांटेड स्पाइसेस हो जाएगा ना, पल्सेस होगा, सॉरी पल्सेस होगा, स्पाइसेस नहीं पल्सेस होगा, तो इस चीज को हम लोग जो है वो जान गए, तो कैसे वांट का प्रयोग करेंगे, समझ गए कि नहीं समझे, तो नहीं समझे तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आइए जाएगा, क्योंकि हम है धीरज सर, पढ़ाने में एकदम कॉमेडी वाले ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।